आप इसमें देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो जैसा कि आपको बताया था मैंने, जो सीरीज चल रही है ये फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है, जो सामान्यतः सामान्य ज्ञान के जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को मैं आप कवर करेंगे, जो सभी लेसनों में आपको मिलेंगे। इसमें फास्ट रिवीजन 3590 यानी आपको 3590 टोटल इसमें प्रश्न मिलेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यानी आपके ये 3590 जो प्रश्न आपको सभी लेसनों में देखने को मिलेंगे। आपका ये छठवा लेसन है जो आप देख रहे हैं, ये छठवा लेसन है, इससे पहले 5 पार्ट अपलोड कर दिए, इसके बाद भी नेक्स्ट डाल दिए, आप ये छठवा लेसन देख रहे हैं, इसके सभी लेसनों को देख लें जिसमें आपको 3590 प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो ये वो प्रश्न रहेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इन प्रश्नों को आप देखने के बाद कोई भी प्रश्न जो रिपीट होता है वो नहीं छूटेगा। ये ऐसे कलेक्ट प्रश्न के जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे 201 से। इससे पहले हमने 5 पार्टों में 200 तक प्रश्न देख लिए जो फास्ट रिवीजन आपका। ये खासतौर पर यूपीटेट, सीटेट, आगामी शिक्षकवर्ती, रेलवे के लिए, यूपीटेट एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो सामान्य दिन के प्रश्न आएंगे वो इसमें से रिपीट वाले प्रश्न जो आते रहते हैं बार बार, वो इसमें से फंस जाएंगे, आपका अच्छी तरीके से एग्जाम हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्नों को। तो आप अच्छी तरीके से सभी पार्टों को पूरा पूरा कंप्लीट देखें, जिससे आपको सभी प्रश्नों का अच्छी तरह अध्ययन हो सके। सभी लेसनों को क्रमवाइज देखते रहें, और जो भी लेसन रह गए हैं अपलोड करने के लिए वो क्रम से किए जा रहे हैं, सभी प्रश्नों को देखते रहें। अगर आप अनकरी पहली बार आए हो तो आप सर्च कर सकते हैं सतीश चंद, और वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं, सभी पार्टों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ऑफलाइन देखने के लिए इसे सेव कर सकते हैं, अपने दोस्तों शेयर कर सकते हैं। चलिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। तो आपका 201 प्रश्न है, गहंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आपका सही आंसर रहेगा आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण गहंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है 202, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो आपका सही आंसर रहेगा अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन ग्रंथि है वो स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन स्रावित करती है? आपका सही आंसर हो गया अग्नाशय। नेक्स्ट है 203, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही आंसर रहेगा फुटबॉल। फुटबॉल से डूरंड कप का संबंध है। नेक्स्ट है 204, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपका सही आंसर रहेगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध हो गया हीराकुंड बांध। 205 है आपका, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आपको बताना है जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें भारत की कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आपका सही आंसर है 22। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है 206, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो आपका सही आंसर है युआन। युआन चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट है 207, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो आपका सही आंसर है हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट है वो रेड क्रॉस के संस्थापक है। नेक्स्ट है 208, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका सही आंसर है एनीमिया। एनीमिया है जो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रोग होता है। चलिए नेक्स्ट आपका 209, भारत कोकिला कौन कहलाती है, यानी भारत की जो कोकिला के नाम से किसको कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, भारत कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो आपका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। जो दिल्ली में कुतुब मीनार बनाई गई थी वो किसने शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट आपका 211, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो आपका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट 212, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर है चाणक्य, यानी कौटिल्य चाणक्य है वो अर्थशास्त्र के लेखक है। नेक्स्ट है 213, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर है कन्याकुमारी। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। नेक्स्ट आपका 214, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर रहेगा नेपाल के काठमांडू में। नेपाल के काठमांडू में दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट 215, दक्षेस के कितने देश सदस्य है? तो आपका सही आंसर रहेगा 8। 8 वो देश कौन कौन से हैं जो दक्षेस के सदस्य हैं? तो आपका पहला भारत, नंबर 2 नेपाल, नंबर 3 बांग्लादेश, नंबर 4 श्रीलंका, नंबर 5 मालदीव, नंबर 6 भूटान, नंबर 7 पाकिस्तान, नंबर 8 अफगानिस्तान। इस तरीके से आपके दक्षेस के जो सदस्य हैं ये 8 देश हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है 216, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो आपका आंसर रहेगा 7516। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका 217, विश्व में अभ्रक यानी मायका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो आपका सही आंसर है भारत, यानी जो सबसे ज्यादा विश्व में अभ्रक पैदा होता है वो भारत के अंदर होता है। नेक्स्ट 218, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो आपका सही आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। नेक्स्ट है 219, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका सही आंसर है बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। नेक्स्ट आपका 220, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी आपको बताना है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका सही आंसर है स्कर्वी। नेक्स्ट है 221, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो आपका सही आंसर है विटामिन सी, यानी दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी।
एक्स्ट्रा 222 विटामिन डी की कमी के कौन सा रोग होता है? विटामिन डी से बताना है आपको कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, यानी रिकेट्स बीमारी हो जाती है, तो इस विटामिन डी की कमी के कारण, जिसे जो विटामिन डी प्रचुर मात्रा में सुबह सुबह सूर्य से मिलती है। नेक्स्ट है 223, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? तो आपका सही आंसर है विटामिन के, यानी विटामिन के शरीर के अंदर जब कमी हो जाएगी तो खून जमने में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है 224, विटामिन ई की कमी के से कौन सा रोग होता है? तो आपका सही आंसर रहेगा बांझपन, यानी विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। नेक्स्ट है 225, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही आंसर रहेगा एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। 226, बसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो आपका सही आंसर ए और ई, जो बसा में घुल जाते हैं वो विटामिन ए और विटामिन ई घुल जाते हैं। नेक्स्ट है 227, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही आंसर रहेगा NaCN, यानी सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, NaCl। दोस्तों आपको प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। चलिए नेक्स्ट आपका 228, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही आंसर रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O। नेक्स्ट है 229, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही आंसर रहेगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है 230, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो आपका सही आंसर रहेगा तांबा और जस्ता, यानी पीतल जो धातुओं का मिश्रण है, दो धातुओं का, तांबा और जस्ता से मिलकर के पीतल बना हुआ है। नेक्स्ट है 231, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आपका सही आंसर रहेगा विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेक्स्ट है 232, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो आपका सही आंसर रहेगा कॉर्निया, यानी जो नेत्रदान किया जाता है उसमें नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। नेक्स्ट है 233, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आपका सही आंसर रहेगा विटामिन B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट है 234, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आपका 235, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो आपका सही आंसर है अस्थि मज्जा, यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किसके अंदर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट आपका 236, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर है 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट 237, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर हाई होने पर नापने के लिए। नेक्स्ट आपका 238, नेक्स्ट 238 आपका कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? यानी आपको बताना कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? आपका सही आंसर है रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम रीड, रोम कहते हैं शॉर्ट में, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आपका 239, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? तो आपका सही आंसर है 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो आपका सही आंसर है 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में हो गई थी। नेक्स्ट 240, इन तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो आपका सही आंसर रहेगा राजा प्रथम चोल ने, राजा प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट 241, 241, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर रहेगा अमरकोट के दुर्ग में। नेक्स्ट 242, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्वकप किस देश में आयोजित होगा? तो आपका जो 2014 का विश्व फुटबॉल आयोजित हुआ था वो ब्राजील में हुआ था, 2014 में जो फुटबॉल विश्वकप खेला गया था वो 2014 में खेला गया, ब्राजील में खेला गया था। दोस्तों ये थे आपके इस पार्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपको फास्ट डिवीजन इसमें मिल रहा है। 3590 टोटल प्रश्न मिलेंगे जो आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट तो देखते रहे, अपलोड किए गए हैं सभी पार्ट क्रम से, सभी पार्टों को पूरा पूरा देखें जिससे आप लाभ उठा सकें, प्रतियोगी परीक्षा आप सफलता हासिल कर सकें। थैंक